रात्रि के 12:15 बजने जा रहे हैं। देखा, हम अपने सोने की तैयारी में लगे हैं। रात में देखिए घोड़े तक आते हैं तलाश में, तो कुछ खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। ये देखिए वहीं फाटक के पास खड़ा है घोड़ा। ये देखिए कुछ वहाँ उसको, ये देखिए रात का समय 12:15 बजे हैं। सब जानवर एक एक राउंड लगाते हैं यहाँ आकर के। ये देखिए रात्रि में सब दरवाजे जहाँ पर कुछ रोटी उटी डाली जाती है, देख रहे हैं आप घोड़े को धीरे धीरे यहाँ ढूंढते ढूंढते जा रहा है। एक चीज बताएंगे, देखिए हर जगह ये कितने पशु पक्षी चिड़िया सब यहाँ क्यों आते हैं, इसी जगह क्यों आते हैं? सारे घास जानवर हम ही को क्यों दिखाई पड़ता, हमको क्यों मिलते हैं सब? रात का समय है, 12:15 हो रहा है घड़ी में। मैं सोने ही जा रहा था कि बालाजी कितनी मारदारी में लगे थे, आज उनको दूध बंद कर दिया है। मेरठ के एक साहब ने बताया कि साहब मवाद ज्यादा आने का कारण यही है, अब दूध बंद किया, एकदम सूखते जा रहे हैं। फिर एक साहब ने बताया, वो नंबर उनका देखिए अभी नोट करना है, और उन्होंने कहा कि सेलेसिया 200 पावर का, तो आर्निका तो दे ही रहे हैं 30 पावर का। अब उनसे कहें भैया डॉक्टर से पूछ लो कि आर्निका दे रहे हैं, एक दवा और हम दे रहे हैं, 2-3-4 दवा होम्योपैथिक की अगर इनको दिया जाए, और क्योंकि बहुत हालत इसकी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है एकदम। अब कल सुबह ड्रेसिंग करेंगे, मवान निकलवाएंगे सब। तो यहीं बैठे सोने जा रहे थे, आवाज़ सुना, हमने कहा देखो रात्रि में भी सब दरवाजे हमारे चक्कर लगाते रहते हैं। अब सारा सामान पड़ा है, लैपटॉप है, राइटर है, सब कोई करने वाला नहीं, हम कुछ जानते नहीं इसके बारे में, कब कौन आएगा, कितने लोगों से कहा भैया आओ उसको कर दो, क्या कहा जाए। 12:15 बजने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।